sabe? Continuamos. हमारा मॉडल जो है ऊर्जा संरक्षण का हमने इसको बनाया है। ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि हम अपने ऊर्जा संरक्षण के जरिए हम अपनी यातायात व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर एक नई चीज दिखाने की कोशिश की है, जैसे कन्वेयर बेल्ट। हम सबको पता है कि पहले सड़क पर फुटपाथ बने हुए होते हैं और जो फुटपाथ जो बने होते हैं उस पर आम लोग चल नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि क्या नाम है, जैसे यहाँ पे फुटपाथ बना था इसके ऊपर कोई भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी, जिसके कारण हमें रास्ते पर चलना पड़ता है और एक्सीडेंट होता है, जिससे ट्रैफिक भी काफ़ी प्रभावित होती है। तो हमें इसका समाधान निकालने के लिए हमने यहाँ पे कन्वेयर ट्रैक बनाया है। जैसे कि हमें वहाँ जाना है, स्मार्ट बिग बाजार में जाना है, तो हम अगर यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े होंगे और ये कन्वेयर ट्रैक ऐसे चलते जाएगा। यहाँ खड़े होंगे, कन्वेयर ट्रैक चल रहा होगा और यहाँ पे सीधे चढ़ेंगे अंदर और यहाँ पे उतर जाएंगे। यहाँ से हम वहाँ पे जा सकते हैं आसानी से। ऐसे ही अगर वहाँ से हमें किसी भी रास्ते पे जाना है तो हम उसी तरह से यहाँ पे आ सकते हैं। और हमने इसमें सबसे स्मार्ट सिटी को ज्यादा और स्मार्ट बनाने के लिए अपने एलईडी बल्ब का यूज किया है। एलईडी बल्ब यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट ये जो ऊर्जा होती है उसको बहुत कम, जैसे सीएफएल बल्ब होते हैं या 100 वाट के जो बल्ब होते हैं उनको बहुत कम करके इसमें ऊर्जा का बहुत कम ऊर्जा में बहुत ज्यादा रोशनी देने का काम करता है। और ये सारा सोलर पैनल की उससे चलता है। जैसे हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगा है, ये पूरा दिन चार्ज होगा और उसके बाद ये चलेगा। मान लीजिए कि अगर दो चार दिन तक हमारी लाइट ना आए तो हम इसको, ये जो हमने बल्ब जो हमारे और ये जो हमारी कन्वर्टर है इसी में हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, अगर नहीं आएगी लाइट और चार्ज नहीं होगा तो इसकी बिजली से भी ये बल्ब जल सकते हैं। इसलिए लाइट होने या ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरी बात हमें कहीं और से लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये जो हमारा कन्वेयर ट्रैक है इसको हमने एक टैंक में पानी लेकर, एक टैंक है हमारा उसमें हमने पानी ले रखा है, आधे टैंक में पानी और आधे टैंक में एयर है, हवा है। और जो टैंक के ऊपर कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर, और एक तरफ मोटर लगी है। कंप्रेसर जो होता है जब हम इसको, जब यहाँ से हमारी चार्ज होती है तो चार्ज होकर के यहाँ जाती है उस कंप्रेसर में, और कंप्रेसर ऑन होता है हमारा जिससे हवा का दाब बनता जाता है। जब हवा का दाब बनता है हमारा तो पानी को और वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पानी एक डब्बे से जो टैंक है हमारा उससे बाहर निकलेगा खूब स्पीड से। तो जैसे हमने यहाँ पे हमारा डब्बा है और यहाँ पे टर्बाइन हमारी, तो टर्बाइन से खूब सीधा स्पीड से पानी निकलेगा और टर्बाइन को घुमाएगा। जब टर्बाइन घूमेगी तो हमारी डायनामो में बिजली बनेगी और डायनामो में बिजली बनकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होकर जाएगी। और जब उसमें जाएगी तो सीधा डायरेक्ट हमारी बिजली यहाँ पे आएगी और दिन रात ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे हमने सबसे जो पानी है हमारा, पानी हमने इसको जो सीवेज सड़कों के नीचे सीवेज लाइन बहती है उसी के नीचे से हमने निकाला है। उसको जो सीवेज का पानी होता है उसको हमने छान करके टैंक में डाला है। और उसके जो हमारी मोटर है, एक कंप्रेसर और जो मोटर है, कंप्रेसर तो हवा को भरने का काम कर रहा है और जो मोटर है वो जो टरबाइन में पानी गिर रहा है हमारा उसी को दोबारा रिवाइंड करके वहीं पे लेके आ रहा है पानी। इससे क्या होगा, हमारे पानी की ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पानी का जो चक्र एक बना रहेगा जो बार बार घूम घूम के वहीं पे आता रहेगा। इससे क्या होगा, हमें पानी बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे बिजली बनती रहेगी लगातार। और ये हमने यहाँ पे इसमें अंडरग्राउंड टनल बनाई है। जैसे कि हम सबको पता है कि देहरादून आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह है और एक यहाँ हिल स्टेशन भी है, तो
इसमें क्या होता है कि बाहर से ज्यादातर गाड़ियां आती हैं, यहाँ पे 70% जो ट्रैफिक रहता है वो तो बाहर की गाड़ियों का रहता है। तो हमने इसका समाधान निकाला है, हमने सोचा है कि इसके नीचे से, जैसे यहाँ पे हमने एक टनल बनाई है, ठीक है, टनल यहाँ से बनाएंगे और ये यहाँ निकलेगी। मान लीजिए ये राजपुर रोड है और ये यहाँ पे ये मसूरी रोड के लिए जा रही है, तो हमने क्या करा है, बाहर की जो गाड़ियां होंगी वो बाहर से यहाँ से ही अंदर घुस जाएंगी और यहाँ पे निकल जाएंगी, जिससे कि उन्हें जो यहाँ का घंटा घर है यहाँ का ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे ये बाहर की गाड़ियां अंडरग्राउंड होकर चली जाएंगी तो यहाँ पर हमारा ट्रैफिक नहीं लगेगा, जिससे जो लोकल बंदे हैं, जो लोकल लोग हैं, रहने वाले हैं, उनकी गाड़ियां भी ट्रैफिक में नहीं फंसेंगी। हमारे कन्वेयर ट्रैक का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, लोगों पर। जब लोग इसके ऊपर चलने लग जाएंगे तो लोग अव्यवस्थित रूप से सड़क पार करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेटर लगे हैं, एक्सीलेटर यहाँ से पार हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब इससे पार होंगे, और ये लोकप्रिय भी है, अच्छा है कि लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, चलना नहीं पड़ रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो यहाँ से वो पार आसानी से जा सकते हैं, जिससे खतरा भी नहीं है एक्सीडेंट होने का, ना ही ट्रैफिक जाम होने का खतरा है। और हमने जैसे घंटाघर, हमारा घंटाघर पहले सिंपल था, हमने इसी घंटाघर में यहाँ पे चारों रास्ते में एक्सीलेटर लगा दिए हैं, जिससे कि यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, ऐसे चारों तरफ से आ जा सकते हैं और ट्रैफिक भी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। और जैसे कि हमने ये दिखा रखा है यहाँ पे गाड़ियाँ, यहाँ पे हमारी एक आने की रास्ता है, एक जाने का रास्ता, ये बिल्कुल हमारे नीचे इसके अंडरग्राउंड हाईवे है, इसी के नीचे हमारा ये टैंक है, पानी का टैंक, जिससे हमारी बिजली बन रही है बस। और इसके बाद भी सवाल पूछ सकते हैं।